कटनी जीआरपी थाने का 29 अक्टूबर 2023 का एक महिला और बालक के साथ सख्ती से पूछताछ के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जीआरपी के आला पुलिस अधिकारी कटनी जीआरपी पहुंचे, जहां पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस पूरे मामले की जांच करने रेल डीआईजी मोनिका शुक्ला, रेल पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद सिंह, जाँच टीम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डहेरिया सहित अन्य पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में जीआरपी के 5 हेड कांस्टेबल, जिसमें एक महिला कांस्टेबल सहित जीआरपी थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। जीआरपी रेल पुलिस ने कहा कि थाने के अंदर से गोपनीय वीडियो कैसे बाहर निकला, इसकी भी जांच की जाएगी। देखिए, ये सबसे प्रथम तो ये था कि ये वीडियो कब का है, तो ये पाया गया है कि ये पिछले साल का है, अक्टूबर महीने का वीडियो है। और इसमें जो आज सुबह से हम लोगों ने वीडियो यहाँ पर देखा है, चूँकि ये पहले तो सोशल मीडिया के माध्यम से आया था, तो आज यहाँ पे तस्दीक की गई इस वीडियो की, और उसके आधार पे जो TI अरुणा वाहने हैं उनको सस्पेंड किया गया है, और इसके साथ ही जो 5 अन्य पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं वीडियो में उनको भी सस्पेंड किया गया है। और मामले की संपूर्ण जांच जो है वो DIG मैडम श्रीमती मोनिका शुक्ला, जो DIG रेलवेज हैं, उनके द्वारा की जा रही है। मैम, इसमें एक चीज़ और भी सामने आई है, कुछ ही देर पहले वर्णिका वाहने ने जो हम लोग का पत्रकारों का ग्रुप बनाया जी, उसमें उन्होंने कई चीज़ें उन्होंने शेयर करी है, उसमें यही बताया कि कुछ लोगों द्वारा यहाँ से वीडियो निकालने की बात हुई है। क्या उस तक जो भी मामले की जाँच होगी, उसमें ये भी बताया कि पैसे की मांग की गई थी 5 लाख रुपये, जिसका स्क्रीन शॉट हम लोगों ने ले लिया है, तो उस मामले में भी क्या जाँच होगी, जो आपके सामने भी दिया गया होगा कुछ? देखिए, अभी जांच शुरू हो चुकी है, और जिस प्रकार से नए तथ्य आएंगे उसके आधार पे जो विधि संगत कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। जिन लोगों के जो नाम लिए हैं, क्या उनसे पूछताछ की जाएगी क्या आप लोगों द्वारा? अभी हमारे पास ऐसा कोई लिखित में TI द्वारा कोई आवेदन नहीं मिला है। अभी अगर हमें TI द्वारा आवेदन मिलता है तो उसमें अगर जो बिंदु उन्होंने हाईलाइट किए हैं उस विषय में भी जरूर जाँच में शामिल किया जाएगा। जी, उसकी भी तस्दीक होगी। हाँ, तो वो निश्चित ही रिटर्न में भी देंगी, तो उसकी भी जो उन्होंने एस्पेक्ट्स बताए हैं उस प्रतिवेदन में उसकी भी जांच होगी। मैम, जिस तरीके से देखा जाए जो सरकारी कैमरे लगे हैं उससे वीडियो पास हो जाना, उस पर इस तरीके से सवाल नहीं खड़े होते कि अन्य फाइलें भी गायब होती होंगी ऐसे, तो ऐसे में इस मामलों में भी क्या जाँच की जाएगी जो भी दोषी होगा? नहीं, देखिए, फाइल गायब नहीं हुई है, इसका कॉपी किसी ने किया है, और चूँकि कैमरे प्रत्येक थाना परिसर पूरा संपूर्ण परिसर कैमरे की निगाह में रहता है, और इसमें से जो हमारे पास फुटेज का एक स्टोरेज भी रहता है जो 18 महीने का रहता है, उसमें से किसी ने इस फुटेज को कॉपी करके और वायरल किया है, तो किसने किया है ये निश्चित पता लगा लिया जाएगा और उस पर भी विधि संगत कार्रवाई होगी। ये वीडियो जिसके पास पहुंचे क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी जो सामने आते हैं? देखिए, चेन जो भी रहेगा वो पूरी संपूर्ण चेन पे कार्रवाई होगी। यदि जो 5 लाख की बात आई है, यदि सामने आती है, तो उन आरोपियों पर कार्रवाई की? हाँ बिल्कुल, अभी तक ऐसा कोई प्रतिवेदन हमें प्राप्त नहीं हुआ है। आपने बताया कि सोशल मीडिया पे शेयर हुआ है, तो अगर प्राप्त होता है तो उन बिंदुओं पे भी जांच होगी।